अगर संरक्षण नहीं है तो और क्या है भाई। मैं नहीं मानता कि किसी भी आरोपी की कोई जात होती है, कोई धर्म होता है, कोई आरोपी सिर्फ और सिर्फ आरोपी होता है। और नहीं कार्रवाई करना ही दर्शाता है कि संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। 26 दिन के बाद भी अगर आरोपी पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं संरक्षण ही है ना। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कुर्जी में पूर्व मुख्यमंत्री नीलेश राय के घर पहुंचे, मुखिया परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान चिराग पासवान ने नीलेश राय की हत्या को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। चिराग ने कहा कि 26 दिनों के बाद अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुआ, अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, किसी बिहारी के दुख में शामिल होना उचित ही नहीं समझते मुख्यमंत्री। अगर संरक्षण नहीं है तो और क्या है भाई। मैं नहीं मानता कि किसी भी आरोपी की कोई जात होती है, कोई धर्म होता है। मैं नहीं मानता उसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई, आरोपी सिर्फ और सिर्फ आरोपी होता है। कल को भगवान ना करे मेरी पार्टी से अगर कोई ऐसे तस्वीर सामने आई, सबसे पहला संभवता व्यक्ति मैं ही होऊंगा जो उसको सामने लेकर आएगा और आप इस पे कार्रवाई कीजिए। ऐसे अगर वो किसी राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है तो क्यों नहीं उस पे कार्रवाई की जा रही। और नहीं कार्रवाई करना ही दर्शाता है कि संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को। 26 दिन हो गए भाई, वही हम कह रहे हैं। 26 दिन के बाद भी अगर आरोपी पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं संरक्षण ही है ना, क्योंकि वो सत्ताधारी दल से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप उस पे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं या करने से आप डर रहे हैं। कारण जो भी हो, आप अपराध को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं। इसीलिए जब जंगल राज कहा जाता है, इसीलिए जंगल राज कहा जाता है, क्योंकि ऐसे राजनीतिक दल है सत्ता में जिनके पार्टी से जुड़े हुए लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं होगी तो 2 दिन 4 दिन 1 महीने के बाद फिर हम लोग ऐसे किसी और परिवार के साथ बैठे होंगे, क्योंकि उस परिवार की हत्या फिर इन लोगों ने कर दी होगी। ये सिलसिला तो कभी रुकेगा ही नहीं जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं भाई, इससे पहले जितनी जगह अगल बगल के थानों में जाइए, परिवार ने पूरा लिखित रूप में दिया कि उनके ऊपर किस किस हत्या के और कितने मुकदमे चल रहे। अगर उसमें अगर उनको सजा हो गई होती, कार्रवाई हो गई होती, या प्रशासन इतना मुस्तैद होता, यहां पर आप निकाल के देख लीजिए कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास संभवतः हथियार नहीं होने चाहिए। उन लोगों के पास हथियार चले जाते, उनको हथियार के लाइसेंस भी मिल जाते हैं प्रशासन के माध्यम से, पर जिनके ऊपर खतरा है वो निरंतरता में आवेदन देते रहते हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उनके बारे में कहते रहते हैं, पर स्थानीय प्रशासन को उनको आर्म्स लाइसेंस देने में दिक्कत होती है या उनको किसी भी तरीके की सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती। आज खाना पूर्ति के लिए उनकी हत्या के बाद एक गार्ड को भेज दिया गया। क्या करेगा भैया एक गार्ड? जहां पर ये लोग रहते हैं अगल बगल में ही उन लोगों का भी परिवार है जो आरोपी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, एक गार्ड कितने को संभालेगा? एक के साथ स्कूल जाएगा या दूसरी बच्ची के साथ जाएगा या परिवार के लोगों को देखेगा? कहीं ना कहीं से खाना पूर्ति ही ना आप कर रहे हैं। और यही सुरक्षा अगर आपने पहले दी होती, भाई नहीं, कोई नहीं डाल सकता, जो होनी है वो होगा, पर कम से कम एक डर का तो माहौल बनता है ना। उनके पास अगर आर्म्स होते, अगर उनको उचित सुरक्षा मुहैया की गई होती तो संभवतः जिस तरीके से दिन दहाड़े इतनी निर्ममता से उनको मार दिया गया, संभवतः ये घटना नहीं घटती। चिराग पासवान ने आगे कहा कि इस घटना की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री के संज्ञान में देंगे और केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि इस घटना पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।